हर बार के ये लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं। कियानो रीव्स की जॉन विक चैप्टर 4 24 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली थी, लेकिन इंडिया में पता नहीं किसकी मेहरबानी हुई पिक्चर को एक दिन पहले 23 मार्च को ही रिलीज कर दिया गया। मुंबई, पुणे, दिल्ली सब जगह शाम के 6 बजे शो लगे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरी सिटी में सुबह 10 बजे का शो लगा है। हाँ, तुमने सही सुना, रिलीज के एक दिन पहले मैं सुबह 10 बजे पिक्चर देख सकता था। मुझे लगा कि बाकी सबसे पहले देखने का चांस मुझे मिल रहा, तो जो लोग मुझे स्पॉइल करते थे उनके मुंह पे स्पॉइलर फेंक के मारूंगा। ऑनलाइन टिकट बुक की, थिएटर में एकदम टाइम पे पहुंच गया, लेकिन वहां पे जाके वो लोग बोलते हैं कि सर सॉरी, शो का टाइमिंग गलती से डाल दिया था, उनके पास परमिशन नहीं है इतनी जल्दी पिक्चर दिखाने की। फिर क्या, घर वापस आया मैं उसी दिन शाम को 8 घंटे बाद 6:30 बजे का शो लगाया, और ऐसे करके सबके साथ मुझे देखने मिली है जॉन विक चैप्टर 4। और अगर तुमने भी जॉन विक फ्रेंचाइज की मूवीज देखी है तो तुमको भी पता है कि स्टोरी वाला एस्पेक्ट इसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जैसा पिक्चर का नाम है जॉन विक, ये अपने मेन कैरेक्टर को एक पर्पस, एक गोल दे देती है और वो पिक्चर के अंदर पूरा करने निकल पड़ता है। ऐसा करने में वो कितनी लाशें बिछा देता है पता नहीं, लेकिन देखने में मजा जरूर आता है। मैं खुद इस फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मेरे खुद के क्वेश्चंस थे कि वो लोग कब तक इस एक्शन ओवर एवरीथिंग वाले एस्पेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। हर पिक्चर के अंदर तुम पता नहीं कहां से उखाड़ के प्रॉब्लम्स जॉन विक के सामने रख रहे हो, तो फिर इसका भी हाल फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा ना हो जाए। इसीलिए ये चैप्टर 4 को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन उन्होंने निराश नहीं किया है। एक्चुअल में एक डिसेंट वाली स्टोरी डाली है पिक्चर के अंदर, जो साइड कैरेक्टर्स जॉन विक से लड़ते हैं उनके पीछे भी अच्छे खासे रीजंस तुमको समझाया गया, जिसे तुम उनके लिए भी केयर करते हो। और जब ये मूवी देखने जाओगे तो फिर पहले फ्रेम से ही फील होता है कि ये एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। पिक्चर के अंदर स्टेक्स काफी बड़े होने वाले और मूवी एक फिनाले वाली फीलिंग जरूर देती है। मूवी के अंदर भी इस चीज को एड्रेस किया गया कि हर बार तेरे सामने कोई बड़ा बंदा खड़ा हो जाता है तो उसको मार देता है, तो उसके बाद क्या, जितनों को मारेगा उतने लोग और जाएंगे। इसीलिए चैप्टर 4 के अंदर जॉन विक को एक परमानेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए, जिसके लिए उसके रास्ते काफी घूम के जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट पिक्चर 2 घंटा 50 मिनट की है, लेकिन वो बोर नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बाप लेवल का एक्शन डाला है। अगर तुमने जॉन विक की मूवीज देखी है तो तुमको पहले से आइडिया होगा कि किस टाइप का एक्शन होता है इसके अंदर, और पार्ट 4 ने जो भी मेरे एक्सपेक्टेशंस थे सबको सरपास किया है। अब तक आई हुई तीनों मूवीज के अंदर वो लोग एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग में अपने को स्टोरी का सेटअप दिखाएंगे, पिक्चर थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन उसके बाद एक्शन चालू हुआ तो फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे ही पहुंच जाता है। सेम चीज पार्ट 4 के अंदर भी करी गई है। पहले इंप्रेसिव वाला एक्शन दिखाएंगे, फिर उससे और बढ़िया, फिर उससे और बढ़िया, फिर उससे और बढ़िया। मूवी के सेकंड हाफ के अंदर एक सिंगल टेक वाला एक्शन है, कैमरा छत के ऊपर से अलग अलग रूम्स में ट्रैक कर रहा है और अपने जॉन विक भैया दिवाली मनाए जा रहे हैं, लिटरल दिवाली। और वो जब मैंने देखा मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। और एक पेरिस के अंदर चलती हुई ट्रैफिक में जो बवाल वाला एक्शन दिखा, क्या रिएक्शंस निकले। एक्शन में कुछ हिट्स इतने ब्रूटल दिखाया ना कि सीट के अंदर में हिल गया अपने। इस चीज को रियलिटी बनाने के लिए जो पूरा काम किया गया बैकग्राउंड में, स्टंट्स को कोरियोग्राफ करना, पूरी स्टंट टीम मिलके उसको परफॉर्म कर रही है, वो सीन्स को बहुत ज्यादा कट नहीं करते हुए अपने को सारी चीजें क्लियरली दिखाना, सबकी जितनी तारीफ करो इस पार्ट 4 के लिए उतनी कम है। और अब जब तारीफ वाली बात करें तो कियानो रीव्स को कैसे भूल सकते हैं, भाई की एज क्या है। फिर भी वो इन मूवीज के अंदर काफी सारे स्टंट्स खुद करते हैं। एक तो गाड़ी का डोर निकला हुआ, तुम उनकी शक्ल क्लियरली देख सकते हो और वो उस गाड़ी को एक हाथ से मेरी गो राउंड कर करके ठाए ठाए चला रहे हो। ऐसे स्टंट्स को लंबे लंबे टेक्स में कैप्चर करना तो अपने आप में इंप्रेसिव है, लेकिन उसी चीज को ब्यूटीफुल दिखाना। मूवी के अंदर कुछ ऐसे भी शॉट्स थे जिनको देखते ही मन किया कि पॉज करके वॉलपेपर लगा लेता हूं, इतने ज्यादा गजब। पिक्चर के स्टार्टिंग में जॉन विक भैया होटल के ऊपर खड़े हैं, ब्लू कलर की लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, बैकग्राउंड में रेड कलर की बिल्डिंग और एक झाड़, गॉर्जियस। तुम्हारे लिए इस मूवी को बहुत ज्यादा ओवर हाइप नहीं करना चाहता मैं, लेकिन अभी अभी देख के आया हूं और वो पूरी जो पंप वाली फीलिंग है ना अंदर भाग रही है। तो इसीलिए अगर थोड़े बहुत नेटपिक्स करने हो तो फिर एक्शन मूवी है, इसके अंदर इतनी सारी गोलियां चली हैं। वो सवाल तो हमेशा रहता है कि भाई हीरो को एक भी कैसे नहीं लग रही, बाकी सब लोग एमए मर जा रहे हैं। और ये चीज कुछ एक्शन सीक्वेंस के अंदर फील होती है, लेकिन बाकी सब इतना बढ़िया है कि उसको अपन लोग दबा सकते हैं। और चैप्टर 4 के अंदर जो बिग बैडी का रोल प्ले किया है बिल स्कार्सगार्ड ने, उनका इंट्रोडक्शन तो मूवी के अंदर काफी बवाल था, लेकिन एंड आते आते उनके कैरेक्टर से थोड़ी और स्मार्टनेस में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए जॉन विक 4 का ओवरऑल ओपिनियन ऐसा है कि स्टोरी के हिसाब से वो अभी भी पुराना स्ट्रक्चर फॉलो करती है कि जॉन विक को कुछ चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए उसको एक एक करके टास्क पूरे करने हैं, जिसके लिए वो अनकाउंटेबल बॉडीज गिराता है, वो भी एकदम कूल वाले फैशन में। लेकिन चैप्टर 4 की स्टोरी सेकंड और थर्ड पार्ट से बेटर है, तो कैरेक्टर से तुम और ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो। इसीलिए अगर तुमको एक्शन मूवीज देखना बहुत
ज्यादा पसंद है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक्शन ही इस पूरे फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। उस फील्ड में भी चैप्टर 4 ने एक दो नॉच ऊपर ही लेके गया है। जॉन विक के तीनों पार्ट्स देख लिए तो डेफिनेटली 4th देखने जाओगे और वो भी तुमको बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन अगर अभी तक कुछ भी नहीं देखा है तो फिर पार्ट 1 देखना, डायरेक्ट 4th पे मत चले जाना, वरना मूवी की जो एंडिंग है वो तुमको उतनी हिट नहीं होगी। मैं एंडिंग के बारे में बोलना नहीं चाहता, स्पॉइलर हो जाएगा, हिंट भी दे दिया तो, लेकिन जो उन्होंने किया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना जॉन विक भैया आ जाएंगे घर पे। हिंदी डब में देखा है मैंने इस मूवी को और वो भी अच्छा खासा था, उसने कोई भी मजाक किरकिरा नहीं किया। लेकिन मूवी 18+ है तो उसका ध्यान तुमको अपने हिसाब से रखना होगा। पिक्चर मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, बवाल बनाया यार। इसको कहते हैं एक प्रॉपर एक्शन मूवी। ऐसे ही एकदम बेहतरीन वाले मूवी सीरीज देखने तो फिर उसका रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, चेक कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।